हेलो स्टूडेंट्स दिस इज विजय और आपका स्वागत है सी सी एल क्लासेज में तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास सिक्सथ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास तो इसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वन से लेकर ट्वेंटी फाइव तक और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पेपर तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि कौन सा होगा सबसे पहले वन प्लस टू विच इज थ्री वन माइनस टू विच इज माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री टू माइनस वन वन अब आप खुद बताओ कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है ऑप्शन बी या ऑप्शन सी जो नेगेटिव में सबसे ज्यादा होगा वही तो छोटा होगा सबसे तो स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारे पास माइनस थ्री यानी कि ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। कर्व्ड सरफेस ऑफ अ क्लोज्ड फिग इज नोन एज जो कर्व्ड सरफेस हमारे पास किसी भी फिग का लेट से ये हमारे पास एक फिग है इसका ये कर्व्ड सरफेस ये पूरा सरफेस क्या कहलाएगा उसका एरिया पैरामीटर उसके चारों तरफ अगर एक चक्कर लगाए तो पैरामीटर वॉल्यूम उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है और लेंथ तो लेंथ होती है उसके बाद थर्ड क्वेश्चन राइट बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन इन यहाँ पे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है लेट से कुछ भी मान लो आप अगर उसको एक राइट बाई सेक्टर यानी कि परपेंडिकुलर है और बाई सेक्ट का मतलब क्या होता है बाई मीन्स दो सेक्ट मीन्स कट करना दो इक्वल पार्ट्स में कट करता है वन टू तो राइट बाई सेक्टर लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करता है डिवाइड करता है तो इसके लिए ऑप्शन सी क्या है राइट right. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल कौन से होते हैं वो एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो छोटे हो वो क्या कहलाते हैं एक्यूट एंगल। तो 90 से कम कौन सा यहाँ पे 60। तो ये क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल। राइट right एंगल वो एंगल जो 90 के बराबर हो राइट right एंगल और तीसरे आते हैं हमारे पास ओब्यूज एंगल जो 90 और 180 के बीच में लाई करते हैं वो होते हैं ओबट्यूज एंगल अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सिलेक्ट करेक्ट फ्रैक्शन फॉर द सेडिड पार्ट ऑफ द गिवन फिग तो हमें करेक्ट फ्रैक्शन बताना देखो ये चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है वन टू थ्री फोर तो टोटल तो आ गए फोर और यहां पे हमारे पास कितना ऑक्यूपाई के कितना यानी कि कितना पोर्शन ऑक्यूपाई किया इसका तो चार में से एक पोर्शन क्या है पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है तो यानी कि वन बाय फोर्थ तो सेडिड पोर्शन कितना है वन बाय फोर्थ ऑप्शन बी वट द पैरामीटर ऑफ अगिवन फिग पैरामीटर अभी बताया उसके चारों तरफ की लेंथ यानी कि फोर प्लस थ्री सेवन प्लस टू नाइन प्लस फाइव फोर्टीन फोर्टीन और पैरामीटर के लिए जो यूनिट आती है ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास लेंथ की तरह ही होती है तो यानी कि यूनिट क्या आएगी फिर इसकी सिंगल यूनिट आएगी यानी कि सेंटीमीटर स्क्वेयर में आता है एरिया में और क्यूब सेंटीमीटर की क्यूब मीटर की क्यूब ये किस में आते हैं वॉल्यूम में अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन तो हमें बताना है कि कौन सी इनमें से इक्वेशन है इक्वेशन के लिए वेरी बस्ट फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारे पास इक्वल टू यानी कि इक्वल टू का साइन चाहिए हमें तो ना तो इसमें है ना इसमें ना इसमें केवल पहले ऑप्शन में है तो पहला क्या है राइट एथ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट पूछा गया तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं वन से वन टू थ्री फोर सोन तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या आ गया One. अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं तो यानी कि जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर सम ऑफ फाइव एंड माइनस सिक्स इज तो पांच और माइनस छह का सम क्या होगा फाइव प्लस माइनस सिक्स प्लस इंटू माइनस माइनस तो फाइव माइनस सिक्स विच इज माइनस वन क्योंकि पांच प्लस के है पाँच प्लस और माइनस पांच इसे कट गया और माइनस वन बच जाएगा तो इसे कट के माइनस वन बच जाएगा तो इसके लिए तो ऑप्शन बी क्या है राइट नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन इफ द गिवन फिग इज टेन चाइल्ड देन तो एक यानी कि यहां पे टेन चाइल्ड यहाँ पे टेन चाइल्ड और यहाँ पे फाइव चाइल्ड तो दस और दस बीस और पांच पच्चीस टोटल कितने हो गए ट्वेंटी फाइव तो ऑप्शन ए क्या है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन अजोमेट्रिक बॉक्स विच टूल्स हैव अ पेयर ऑफ पॉइंटर्स पेयर ऑफ पॉइंटर्स पूछा गया यानी कि आपने देखा होगा कुछ इस तरह का होता हमारे पास यहाँ पे शार्प होते ये तो इसके पास पेयर ऑफ पॉइंटर्स होते हैं यानी कि एक पॉइंटर ये एक पॉइंटर ये तो ये क्या होता है डिवाइडर उसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन हाउ मैनी टेन थाउजेंड आर इन वन लैक टेन तो थाउजेंड की मल्टीप्लाई किससे कि करे वन लाख आ जाए तो आप कहोगे कि सर टेन से कर दो तो टेन थाउजेंड में वन लाख में कितने टेन थाउजेंड होते हैं टेन टेन थाउजेंड होते हैं लाख में उसके बाद थर्टीन द टेंथ प्लेस नंबर ऑफ जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव इज देखो हमारे पास क्या होता है यूनिट डिजिट टेंस डिजिट हंड्रेड डिजिट इसी तरह से टेंथ डिजिट हंड्रेड डिजिट तो यहाँ पे टेंथ डिजिट पूछा गया है तो टेंथ यानी कि डिवाइड बाय टेन होना चाहिए तो इसको क्या लिख सकते हैं जीरो प्लस थ्री बाय टेन प्लस सेवन बाय हंड्रेड प्लस फाइव बाय थाउजेंड तो डिवाइड में टेन किसके थ्री के तो टेंथ डिजिट क्या आ जाएगी इसकी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फाइव एडिट टू वाई कैन बी रिटर्न एज y में अगर हमने 5 ऐड किया तो कैसे लिखोगे y प्लस फाइव या फिर 5 प्लस वाई ऐसे ही लिखोगे तो ऑप्शन सी है y प्लस फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन इफ फाइव रेशो टेन कोरस्पॉन्ड्स टू यहां पे मान लेते हैं, चलो x तो x रेशो फोर्टी so तो यहां पे x की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी तो देखो 5 और 2 का क्या रिलेशन है 5 टू जा टेन तो मल्टीप्लाई टू तो एक्स मल्टीप्लाई टू फोर्टी आना चाहिए यानी कि किस से मल्टीप्लाई करे टू की तो फोर्टी आ जाए तो यानी कि टू एक्स कितना आना चाहिए फोर्टी तो एक्स कितना आ गया डिवाइड बाई टू दोनों तरफ यानी कि ट्वेंटी तो ट्वेंटी आ जाएगा क्योंकि 5 बाय दस बराबर है बीस बाय फोर्टी यहां पे या फिर आप ऐसे भी कर सकते इसको देखो यहां पे हमने मान लिया एक्स ठीक है टेन की टेन को फोर्टी बनाना है तो ऊपर नीचे फोर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप कहोगे बिल्कुल सर तो टेन फोर जा फोर्टी तो फाइव फोर जा ट्वेंटी तो एक्स क्या आ गया ट्वेंटी कैसे भी कर सकते हैं अब इनको अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन राइट ऑल मल्टीपल्स ऑफ नाइन अप टू हंड्रेड हंड्रेड तक संख्या में हमें नाइन के सभी मल्टीपल्स लिखने हैं तो कैसे लिखोगे देखो नाइन टी सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी फाइव फिफ्टी फोर सिक्सटी थ्री सेवन वन और उसके बाद 99. नाइन तो ये आगे हमारे पास ओल मल्टीपल्स ऑफ नाइन टू हंड्रेड तक यानी कि जीरो से हंड्रेड तक नाइन के मल्टीपल्स अब नेक्स्ट सेवनटीन क्वेश्चन कैलकुलेट द रेस ऑफ थर्टी मिनट्स टू वन पॉइंट फाइव आर्स 1.5 पॉइंट फाइव तो एक यूनिट में चेंज कर लो कैसे या तो आप मिनट को आर में बदल लो या आर को मिनट में तो चलो मैं आर को मिनट में बदल लेता हूं ये तो थर्टी मिनट है हमारे पास डिवाइड बाय वन पॉइंट फाइव किसके बराबर हो जाएंगे वन आर में सिक्सटी मिनट और फाइव यानी कि पॉइंट फाइव में थर्टी सिक्सटी और थर्टी 90 मिनट्स तो थर्टी बाय नाइन्टी आ जाएगा हमारे पास विच इज वन बाय थ्री थ्री वन जी थ्री थ्री जाइन तो रेशो कितनी आ गई वन इज टू थ्री क्योंकि अगर आप थर्टी वन यूनिट है तो थर्टी इंटू थ्री करोगे तो ये कितना आ जाएगा वन पॉइंट फाइव आर्स तो वन रेशो थ्री आ गया सेवनटींथ क्वेश्चन का आंसर अब नेक्स्ट एटींथ क्वेश्चन राइट ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री सेवन इन तो ट्वेंटी फाइव एंड थर्टी सेवनथ ये आ जाएगा हमारे पास या फिर आप थर्टी सेवन भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यानी कि ट्वेंटी फाइव एंड थ्री सेवन ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर थर्टी सेवंथ भी लिख सकते हैं अब नेक्स्ट नाइनटींथ क्वेश्चन हाउ मेनी होल नंबर्स लाइज इन बिटवीन थर्टी टू एंड फिफ्टी टू तो कितने होल नंबर लाई करेंगे थर्टी टू और फिफ्टी थ्री के बीच में तो बताना है आपको तो मैं बेसिकली क्या करना है थर्टी थ्री से लेके फिफ्टी टू तक की संख्या बतानी है कितनी होंगी तो कैसे पता करेंगे देखो वन से लेके फिफ्टी टू तक टोटल कितनी हो गई फिफ्टी टू ठीक है अगर मैं इसमें से थर्टी थ्री से फिफ्टी टू बताना है हमें तो अगर मैं फिफ्टी टू में से थर्टी टू कर दूँ क्योंकि इससे पहले कितनी है थर्टी थ्री से पहले थर्टी टू तक एवन से थर्टी टू तक तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो टू में से टू गया जीरो थ्री में से फाइव में से थ्री गया टू यानी कि ट्वेंटी टर्म्स आ गए हमारे पास ये कितनी आ गई ट्वेंटी तो हाउ मैनी होल नंबर लाइज इन बिटवीन थर्टी टू एंड फिफ्टी थ्री इज ट्वेंटी कैसे इसको इसको दोबारा समझ सकते हैं हम देखो मान लेते हैं हमें फाइव से एट तक की लाइज इन बिटवीन तो चलो आपको फाइव और एट के बीच की होल नंबर यानी कि इन बिटवीन के होल नंबर बताने हैं तो आप क्या करोगे कि सर सिक्स और सेवन यहां पे तो दो ही आ गए चलो मैं फाइव से टेन ले लेता हूं अब इनके बीच क्या बताओ तो आप कहोगे कि सर सिक्स से लेके नाइन तक होगा तो मैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अगर मैं नाइन में से इससे आगे की संख्या घटा दूँ यानी कि नाइन में से फाइव घटा दू तो कितनी आ गई फोर तो एक तो सिक्स एक सेवन एक एट एक नाइन तो फोर आ गई तो इस तरह से आपको समझना है ये हम उससे आगे वाली टर्म्स कटा देंगे अब नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन द आर एंड ऑफ अ क्लॉक वन टर्न फ्रॉम डिजिट थ्री टू नाइन वर्ट फ्रैक्शन ऑफ अ कंप्लीट क्लॉक वाइज रेवल्यूशन इट डज तो कितना फ्रैक्शन में रेवोल्यूशन किया ये बताना हमें तो देखते एक बार इसको ये हमने लट से क्लोक ड्रा की यहां पे ट्वेल्व यहां पे थ्री सिक्स नाइन तो यहां पे जब टर्न करती है आवर एंड की सुई यानी कि आवर एंड यानी कि जो घड़ी की घंटे की सुई है वो थ्री से नाइन पे जाती है यानी कि पहले थ्री पे थी और फिर नाइन पे आ गई तो हमें बताना है कितना फ्रैक्शन वो रेवोल कर चुकी तो यहां से तो आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि एक पूरा लीनियर पेयर बना दिया इसने यानी कि वन एट्टी डिग्री रेवोल्व किया थ्री सिक्सटी में से टोटल थ्री सिक्सटी तो वन एट्टी बाय थ्री सिक्सटी विच इज वन बाय टू यानी कि हाफ रेवोल्यूशन क्या इसने कंप्लीट कर लिया या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो ये हमारे पास तो यहां से चार इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया तो पहले पॉइंट ए पर थी वो सुई उसके बाद कहाँ पे आ गई पॉइंट बी पे तो टोटल टू और टोटल कितने है? फोर और इसने कितने डावल किए टू टू बाय फोर वन बाय टू जैसे चाहो आप वैसे देख सकते हो तो यहां पे कितना फ्रैक्शन वन बाय टू फ्रैक्शन आर एंड ने क्या किया रेवॉल्व किया अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट फिफ्टी एट फिफ्टी एट मिलियन फोर हंड्रेड एंड फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड टेन तो यहां पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिलियन के बारे में मिलियन कितने होता है टेन लाख और यहां पे हमें कितना दिया हुआ फिफ्टी एट मिलियन तो यानी कि फिफ्टी एट इंटू टेन लैक यानी कि टेन लैख ,00 में कितने जीरोज होते हैं सिक्स जीरो तो सिक्स जीरो आ जाएंगे इसके पीछे दो चार ठीक है थी. उसके बाद फोर हंड्रेड एंड फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड फाइव थाउजेंड यानी कि फोर हंड्रेड फाइव और थाउजेंड में कितने होते हैं हमारे पास तीन जीरो तो तीन जीरो टू हंड्रेड टेन यानी कि टू हंड्रेड टेन और यहाँ पे है फिफ्टी एट मिलियन यानी कि एक दो तीन चार पाँच छह और फिफ्टी एट तो इनको ऐड करेंगे जीरो वन टू फाइव जीरो फोर एट फाइव यह आ जाएगा हमारे पास पांच करोड़ चौरासी लाख पांच हजार दो सौ दस दोबारा देख लेते हैं देखो सबसे पहले है फिफ्टी एट मिलियन तो इसको लिखा हमने फिफ्टी एट मिलियन उसके बाद फोर हंड्रेड एंड फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फाइव यानी कि फोर जीरो फाइव और उसके बाद है थाउजेंड थाउजेंड यानी कि इन टू में थाउजेंड और प्लस में टू हंड्रेड एंड टेन तो इस तरह से ये क्या आया फाइव करोड़ एट्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड सॉरी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड टेन अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इफ टोटल तो नंबर ऑफ एनिमल्स इन फाइव विलेजेस आर एज फॉलो यहाँ पे विलेजेस दिए हुए हैं और यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं तो वी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच विलेज हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स तो मैक्सिमम कौन से में है? आप देख के बताओ मैक्सिमम तो यहाँ पे 160 है और 160 कौन से विलेज में है विलेज ई e में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स एट विलेज ई या फिर इन विलेज ई नेक्स्ट बी पार्ट हाउ मेनी एनिमल्स आर लेस इन विलेज बी विलेज ई तो विलेज बी में कितने एनिमल कम है विलेज ई e के कंपैरिजन में तो so कितने कम है ई माइनस बी कर दो यानी कि 160 सिक्सटी माइनस सेवेंटी कर दो तो कितना आ जाएगा 60 और 30 90 तो 90 एनिमल्स कम है b में यानी कि अगर b को नाइनटी एनिमल्स और दे दे तो कितने हो जाएंगे e के बराबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 थ्री ड्रा लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर अ रेक्टेंगल रेक्टेंगल के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी देखो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल तो कैसे हम इसको फोल्ड करें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती है तो यहां से अगर मैं लेंथ के कोरिस्पोंड में यहां पे इस तरह से अगर मैं एक लाइन सेगमेंट या लाइन ड्रा कर दूं तो ये फोल्ड होके कैसे बन जाएगा दो इस तरह के इक्वल पार्ट्स में आ जाएगा ये तो यानी कि बराबर रहा अब अगर मैं इसको यहां से भी फोल्ड कर दू तो अब कैसे आ जाएगा ये यहां से फोल्ड हुआ तो यानी कि यहाँ पे फोल्ड होके फाइनली कुछ इस तरह का आ जाएगा यानी कि ये क्या हमारे पास लाइंस ऑफ सिमेट्री एक ये लाइंस ऑफ सिमेट्री एल वन लेट से दिस इज एल टू तो दो लाइंस ऑफ सिमेट्री है क्या हम डायगनल्स के थ्रू भी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं देखते हैं ये हमारे पास डायगोनल। इसके थ्रू अगर फोल्ड करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में नहीं आएगा तो यहां से नहीं ड्रा होगी तो इस तरह से ये क्या लाइंस ऑफ सिमेट्री अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ राइट इन असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखना है वन बाय टू टू बाय थ्री वन बाय थ्री तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो ascending order में कैसे लिखेंगे देखो सबसे पहले पहला काम क्या होगा आपको denominator सेम करना है सभी का। तो denominator इसका, two इसका, three इसका, three. तो तो इसका 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 ले लो आप। दो और तीन तो यानी कि मुझे one by two, यानी कि two को six करना है तो कैसे करूंगा थ्री से मल्टीप्लाई तो थ्री से ऊपर थ्री से नीचे यानी थ्री टू जा सिक्स अब टू बाई थ्री को करना है यानी कि टू से कर देता हूं ऊपर नीचे तो फोर बाय थ्री टू जा सिक्स अब इसको करेंगे तो टू बाय सिक्स अब आप देख लो कि कौन सा सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा तो सबसे छोटा कौन सा हमारे पास टू बाई सिक्स टू बाई सिक्स कहाँ से आया है थ्री फिर उसके बाद फोर बाय सिक्स या फिर थ्री बाय सिक्स तो थ्री बाय सिक्स ये कहाँ से आया वन बाय टू से तो वन बाय टू फिर उससे बड़ा टू बाय थ्री यही बच गया तो ये आ जाएगा इसका सेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे पहले वन बाय थ्री फिर वन बाय टू फिर टू बाई थ्री अब नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिंप्लीफाइड टू एट्टी फाइव इंटू फाइव इंटू सिक्स तो यहाँ पे दो तरीके हैं कैसे देखो टू एट्टी फाइव इंटू फाइव इंटू सिक्स अगर आप इन दोनों की पहरे मल्टीप्लाई करोगे और फिर सिक्सटी की करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा किसके कंपैरिजन में अगर मैं पहले फ़ाइव और सिक्सटी की कर लूँ यानी कि टू एट्टी फाइव इन टू फाइव और सिक्सटी कितनी हो जाएगी थ्री हंड्रेड अब टू जीरो तो ऐसे की ऐसी थ्री की टू एट्टी फाइव से करनी है थ्री फाइव जा फिफ्टीन आ एक थ्री एट जा ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी फाइव कैरी टू थ्री टू जा सिक्स टू एट यानी कि एट्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्या आ गया इसका आंसर और ऐसे भी कर सकते थे आप पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते और फिर सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना